जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल व्रत त्योहार कहानियां में। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, तीन समी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, तीन समी पत्र। श्री शिवा नमस्तु। किशोर को लगा मेरे बाबा अकेले बैठे हुए हैं रोज। अब वो अकेले बैठा हुआ देखते पंडित नवल किशोर तो उनको लगता कि मेरे शंकर जी अकेले बैठे, मेरे बाबा अकेले बैठे, मेरी शिव अकेले बैठे। भक्त कैसा होता, भक्त का स्वरूप कैसा होता, भक्त का भाव कैसा होता। जरूरी नहीं है कि तुम बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ, तुम बहुत माला अच्छी से अच्छी लेकर जाओ। आज के जमाने में वृंदावन में एक बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलती है, थोड़ा हम कह देंगे तो लोगों को हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, पर सत्यता कहने में पीछे नहीं हटेंगे। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, माला आप अच्छी चुन कर लेकर जा रहे। पत्नी ने पूछा है, आप माला अच्छी चुन कर लेकर जा रहे हो? हाँ, वो माला तो अंदर जाती है, वही माला पंडित जी अपने को पहना देते हैं। आपने बिहारी जी के लिए वो माला नहीं, आप बिहारी जी के लिए वो माला नहीं। बिहारी जी ने कभी नहीं कहा, बांके बिहारी ने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम बहुत सुंदर वस्तु ला कर दे। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, मेरे ठाकुर जी वर्णन करते हैं, मेरे लाडले वर्णन करते हैं कि मुझे तुमसे कोई कीमती वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धरोहर नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धन या वैभव या तुम्हारा बहुत सारा राजसी ठाट नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी कीमती वस्तुओं की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारे धन और वैभव की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता की चाह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर मुझे देना चाहते हो तो केवल आप दिल से जब मेरे मंदिर में प्रवेश करो, आप हृदय से जब मेरे मंदिर में आओ, आप जब दिल से हृदय से मेरे मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब पहुंचो, उस समय पर बस इतना याद रखना कि माला सुंदर लाए कि ना लाए, तुम प्रसाद का डब्बा लाए कि ना लाए, तुम कोई वस्तु लाए कि ना लाए, पर इतना याद रखना कि तुम अपना दिल पवित्र भाव से लेकर मंदिर के अंदर आए कि ना आए, ये बात का स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। कैसे उसको रिझाओ? बजरंग जी ने विचार कर लिया, मैं भगवान को मना कर रहूंगा, क्या दूं मैं शिव जी को, क्या प्रदान करूं मैं शंकर भगवान को। क्या दें हम भगवान शिव को? कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, तीन समी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, तीन समी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र, तीन समी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को समी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने
तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई? कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। एक कितना शमी पत्र? एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र। कभी स्मरण में लाइएगा। बस ये जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, इन दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो तो लाइन गई गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की पांच बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पांच बेटी, शंकर भगवान की छठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र एक, शमी पत्र तीन, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर है।